वेलकम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए आया हूँ साइंस का चैप्टर नंबर 2, जो आपकी साइंस की बुक से है। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो बेसिकली जो एसिड जो होता है उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट कुछ जो डेफिनेशन जो आपके लिए दी गई हैं वो समझने के लिए आप देखिए। एसिड की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है अगर आप समझो, पर वो 10th लेवल नहीं, थोड़ी और हायर लेवल की है, बट आप इसे समझ लीजिए। जो प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एसिड, एन एसिड इज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज कैपेबल टू डोनेट ए प्रोटॉन। प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन आयन, यानी कि ऐसा भी कोई सब्सटेंस, सॉल्यूबल सब्सटेंस जो होता है हमारा, ऐसा कोई हमारा सब्सटेंस होता है जो कैपेबल होता है एक प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए। प्रोटॉन मीन्स एच आयन को जो रिलीज कर देता है यानी डोनेट कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। टू अदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस के लिए उसे दे देता है। तो बेसिकली इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या पहचान होती है, दीज आर सॉर इन टेस्ट। इनका टेस्ट जो होता है, टेस्ट थोड़ा खट्टापन होता है, यानी खट्टे होते हैं, जैसे कि आपका नींबू वगैरह ये सब जो होते हैं, नींबू के अंदर जो होता है आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, खट्टे जो होते हैं पदार्थ। तो यानी इनका टेस्ट जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, सॉर इन टेस्ट, यानी खट्टे होते हैं। और ये क्या करते हैं, इनकी पहचान क्या है, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। इनकी पहचान होती है अगर ए फ्यू ड्रॉप्स जो होते हैं हम लिटमस पेपर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर बना देता है, यानी उसका कलर जो होता है ब्लू से रेड के लिए बदल जाता है। दे गिव्स एन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर, दे गिव्स एन एच प्लस आयन, यानी एक जो है आपका एच पॉजिटिव आयन जो होता है वो ये रिलीज कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। एंड एसिड, ये मैं आपको कोरोस्ट मैं आपको बता चुका हूँ, टू मेटल, यानी मेटल्स को क्या करते हैं, मेटल्स के साथ में रिएक्शन करने के बाद में मोस्टली जो है मेटल में एक जंग सी जो रिएक्शन होती है वो हो जाती है, और धीमे धीमे जो होती है मेटल जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। ये मैं आपको लास्ट वाली जो वीडियो है हमारी फर्स्ट चैप्टर की, उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अदर डेफिनेशन क्या है इसकी, अदर डेफिनेशन आप समझिए क्या है, एसिड आर द सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आयन एंड विच वेन डिजोल्व इन वाटर एच प्रोटोन, जो इसका एच फोर प्लस आयन जो है इन द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, जो अब हमने अभी इसके अंदर पढ़ा कि हमारे जो एसिड जो होता है वो क्या होता है, समझिए, वो सॉल्यूशंस होते हैं जो एच प्लस यानी कि एच पॉजिटिव आयन जो है उसे डोनेट कर देते हैं, यानी रिलीज कर देते हैं किसी सॉल्यूशन को वो दे सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं। अच्छा, अब एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, एसिड्स की क्या पहचान होती है, एसिड जो होते हैं टेस्ट में खट्टे होते हैं और वो ब्लू लिटमस पेपर को जो है रेड लिटमस पेपर के अंदर उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ये इनकी कुछ बेसिकली बेसिक सी जो है वो इनकी आइडेंटिफिकेशन है, इनकी पहचान है। अच्छा, अब ये एसिड्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एसिड्स को बेसिकली जो है दो भागों में बांटा गया है, दो इनके करैक्टर दिए गए हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग का मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके उनमें थोड़ा वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइक देखिए कौन कौन से होते हैं, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और एक होता है हमारा नाइट्रिक एसिड भी, इसे किसे प्रेजेंट करते हैं, HNO3 जो है इसका फॉर्मूला है HNO3H2SO4 और HCl। ये जो हैं स्टूडेंट्स, ये क्या हैं, ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के। अब आते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो गई, अब बात करते हैं हम आपके वीक एसिड की। वीक एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड होते हैं आपके कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ये देखिए आप, और है आपका एथोनिक एसिड CH3COOH। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि हमारे एसिड्स क्या होते हैं और एसिड्स के टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक एसिड होते हैं। तो ये जो एसिड्स हैं हमारे, ये इन्हें दो प्रकार में, दो भागों में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी इससे पहले पढ़ा था एसिड, अब हम पढ़ते हैं बेस के बारे में। जैसा कि हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, एसिड जो होता है, एसिड जो है एक लैटिन वर्ड है हमारा एसिड्स,
उसका मतलब होता है टेस्ट इन सॉर, यानी कि जो उसका मतलब ही क्या है, एसिड का मीन्स ही क्या है, खट्टा, जो जिसका कि टेस्ट जो हो किस टाइप का हो, खट्टे टाइप का हो। इसी टाइप से अब जो हमारा नेक्स्ट है बेस, बेस का क्या टेस्ट होता है, इसकी मेन पहचान होती है जो बेस जो होता है, बेस आर द सब्सटेंस विच टेस्ट बिटर, इसका जो टेस्ट जो होता है वो कुछ कुछ बिटर टेस्ट में होता है, यानी कड़वापन होता है इसके टेस्ट के अंदर, बिटर इन टेस्ट होता है। अब आता है नेक्स्ट क्या है, एंड फील स्लिपे टू स्किन, जो इसका स्लिपरी नेचर होता है, यानी कि सोपी नेचर होता है, सोपी से मतलब थोड़ा सा एकदम इस बहुत ही शाइनी और बहुत ही स्लिपरी से मतलब है बहुत ही ज़्यादा चिकना, तो अगर इसे हम टच करते हैं तो ये बहुत ही हमें स्मूथनेस फील कराता है। तो ये हैं इसके मेन करेक्टर। मेन करेक्टर में क्या है, टेस्ट से अगर हम टेस्ट वाइज अगर हम बात करें तो इसका टेस्ट कैसा होता है, टेस्ट होता है इसका बिटर इन टेस्ट। और एसिड्स में क्या होता था, एसिड्स में टेस्ट क्या था इसका, सोर इन टेस्ट। तो नेक्स्ट हम आते हैं अब इसका, जैसे कि हम एसिड की बात कर रहे थे, एसिड के अंदर क्या टेंडेंसी होती थी, हमारे जो आयन जो होते थे H+ आयन जो है, यानी हाइड्रोजन आयन को क्या होता है, उसे डोनेट करने की एक प्रवृत्ति होती है उसके अंदर, यानी कि वो रिलीज कर देता है। इसी प्रकार से जो हमारा बेस के अंदर क्या होगा, बेस इज द मॉलिक्यूल आयन एबल टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। तो बेस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि एसिड से जो एच आयन जो है हमारा, प्रोटोन जो है, उसे ये एक्सेप्ट कर सकता है, यानी गेन कर सकता है। ये होती है इसकी जो है मेन पहचान क्या है, वहाँ एसिड में क्या होता है, वो डोनेट करता है और ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे के कुछ बेसिक जो हैं उसके एग्जांपल क्या हैं, बेसिक एग्जांपल क्या हैं हमारे इसके, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा यानी वॉशिंग पाउडर जो होता है वो भी क्या होता है, हमारा बेस होता है नेचर में। हम इसे कास्टिक सोडा को, कास्टिक सोडा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है, ये इसका केमिकल नेम है। वॉशिंग पाउडर जो होता है या वॉशिंग सोडा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, उसका नाम होता है, केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। फिर है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है हम स्टूडेंट्स हम किचन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये हमारे खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान रख लेना, ये आपके क्वेश्चन में कई बार पूछने के लिए आ जाता है कि आपका जो वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग पाउडर जो है, उसका नाम क्या होता है, केमिकल नेम, और जो आपका खाने वाला सोडा है या बेकिंग सोडा है उसका केमिकल नेम क्या होता है। इसके बाद स्टूडेंट आता है लाइम, लाइम मीन्स चूना, जो हम व्हाइट वॉश वगैरह के अंदर जो हम यूज़ करते हैं घरों में, उसका क्या होता है, उसे बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा, ये आपके एक एक आधे आधे नंबर में क्वेश्चन जो है बेसिकली जो है MCQ में या वेरी शॉर्ट के अंदर पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान क्या होगी। सबसे पहले एसिड की तो पहचान हमने बता ली थी, एसिड की पहचान हमारी जो है वो पिछले वीडियो के अंदर हो गई थी। अब बात करते हैं इसकी पहचान क्या है, बेस की पहचान क्या है। देखिए, सबसे पहले बिटर इन टेस्ट, इसका टेस्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा कड़वापन होता है, कड़वे टेस्ट में होता है, ये खट्टा नहीं होता, ये हमारा टेस्ट की पहचान होगी। फिर क्या है, सोपी एंड स्लिपरी इन टच, इसका जो टच करने में क्या होता है, ये टच करने में हमें सोपी टच प्रेजेंट करता है, यानी बहुत ज़्यादा फिसलन बढ़ाया, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है ये टच करने के अंदर। और जब लिटमस पेपर्स में क्या था, देखिए एक्शन विद लिटमस पेपर में क्या हो जाएगा, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ये ब्लू में बदल देता है। और स्टूडेंट्स इसी के साथ में क्या था, हमारे एसिड क्या करता था, ध्यान दीजिए, एसिड में क्या होता था, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता था। इन दोनों के अंदर अंतर है, जो बेस है, बेस डालने से क्या हो जाएगा, ब्लू जो लिटमस पेपर होता है उसे वो क्या कर देगा, रेड, उसका कलर चेंज हो जाएगा, टर्न रेड हो जाएगा। और यहाँ के बेस के अंदर क्या हो जाएगा, बेस में क्या हो जाएगा, जो रेड जो लिटमस पेपर है वो क्या हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो कलर को ये जो एसिड और बेस की पहचान करने में हमारा लिटमस पेपर जो होता है वो बहुत कारगर साबित होता है। तो स्टूडेंट्स इससे पहले अभी हमने समझा था एसिड, अब हम समझेंगे पूरी डिटेल जो है बेस की। बेस के अंदर क्या होता है, बेस में क्या है, ए बेस इज द सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें समझिए, वहां पर क्या था, एसिड के अंदर H+ आयन रिलीज हो रहा था या H+ आयन से मतलब था, यहां पर क्या है OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर दिया जाता है। अच्छा, अब इसके साथ में क्या है, फिर से एक बार समझ लीजिए, ए बेस इज द सब्सटेंस
विच वैन डिजोल्व इन वाटर, अगर जो बेस को वाटर के साथ डिजोल्व किया जाता है, उसके अंदर मिलाया जाता है, तो क्या रिलीज क्या होता है हमारा, हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं, OH आयन जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं। इसके साथ में क्या करना है, अब देखिए जो हमारे बेस जो होता है वो भी उस हमारे दो उनमें बांटा गया है, जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस थे, इसी तरीके से हमारा जो है बेस भी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के अंदर बांटा गया है, जैसे कि हमारे एसिड में होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो इसी के साथ में क्या है हमारा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर देखिए आप स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर कुछ नहीं चेंज नहीं होता, बस क्या है जो अधिक मात्रा में OH आयन देगा वो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और जो थोड़ी कम मात्रा में लेस अमाउंट में जो OH आयन रिलीज करेगा या OH आयन जो देगा वो क्या हो जाएगा वीक बेस हो जाता है, बस इसी चीज़ का फर्क पड़ता है। फिर भी आइए हम समझ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस इज आर दोज विच आयन्स कंप्लीटली इन वाटर एंड गिव ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यानी फिर वहीं पे आ गए हम, ये हमारे हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं ज़्यादा मात्रा में अधिक मात्रा में जो दिए जाते हैं तो उससे वो क्या होता है, ये हमारा मेन करेक्टर होता है, इसी से क्लासीफाई होता है कि बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग बेस का हमारा एग्जाम्पल क्या होता है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम इसे वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं NaOH, वाटर के साथ में डिजोल्व करने के बाद में क्या होगा हमारा सोडियम आयन जो है, सोडियम हमारा अलग रिलीज हो जाएगा और OH यहाँ से ही है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाते हैं हम वीक बेस, वीक बेस के अंदर क्या होता है, वीक बेस आर दोज विच आयन पार्शियली टू प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड, यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग जो था हमारा बेस उसके अंदर जो हमारे OH आयन थे वो ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए उसे क्या बोलते हैं ज़्यादा अमाउंट में आते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं हाइड्रोजन आयन बोलते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारे OH की जो संख्या है, OH जो होंगे वो हमारे लेस अमाउंट में दिए जाते हैं, लेस अमाउंट में आते हैं, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं वीक बेस बोला जाता है, यही इसकी मेन पहचान होती है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की पहचान यही इसी से करा जाता है। और हमारा एग्जांपल क्या है इसका, NH4OH यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे जब वाटर के साथ कराई जाती है तो NH4 जो है हमारी ये अलग रिलीज हो गए और OH आयन जो है वो लेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, इसीलिए इसे वीक बेस कहा जाता है। तो आज हमने एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा, और दोनों की जो है हमने इसके करैक्टर अलग अलग कर लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड था हमारा और इसी के साथ में एक वीक एसिड था, और बेस के अंदर क्या हुआ, बेस के अंदर क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो आज हमने ये अपने टॉपिक इसमें क्लियर कर लिए, बाकी इससे आगे के जो हैं जैसे हम कल की वीडियो के अंदर हम देखेंगे, हम सबसे पहले इसका टॉपिक लेंगे pH वैल्यू से इसका क्या रिलेशन होता है और pH वैल्यू के बारे में जानेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, चलो।